असलामुअलैकुम। अक्सर जब हम शादियों में जाते हैं, खासकर हैदराबादी शादियों में, वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार जूसी रेड चिकन सर्व किया जाता है और हम सोचते हैं कि काश ये रेड चिकन हम घर पर भी बना सकें। तो आज यही रेड चिकन की ऑथेंटिक रेसिपी, वो भी बावर्ची स्टाइल में, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बस मुझे स्टेप बाई स्टेप फॉलो करते जाइए, इसे बनाना बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। हैदराबादी शादियों वाला फेमस रेड चिकन बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 किलो चिकन। ये एक फुल चिकन है और मैंने इसके बड़े पीसेस कट कर लिए हैं। नेक्स्ट हमें इसे मैरिनेट करना है, तो देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे दही 250 ग्राम, 5 टेबलस्पून भर के फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट, एक बड़े साइज के टमाटर का पेस्ट यानी टमाटर पीस लें, या आप टमाटर प्यूरी भी डाल सकते हैं 1/2 कप, 3 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, टोमेटो केचप 4 टेबलस्पून भर के, 3 टेबलस्पून भर के रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस 2 टेबलस्पून, 2 टीस्पून भर के गरम मसाला पाउडर, शाहजीरा 1 टीस्पून, ना हो तो स्किप कर दें, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 3 टीस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर, या कश्मीरी है कलर के लिए। कलर के लिए इसमें आप चाहें तो रेड फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, कश्मीरी रेड चिली पाउडर ना हो तो। 2 बड़े साइज के प्याज को मैंने देखिए इस तरह से डीप फ्राई करके रख लिया है, इसे थोड़ा सा क्रश करके हम इसमें डाल देंगे। इस तरह से अच्छे से क्रश कर लें। डाल दें प्याज, 4 से 5 टेबलस्पून भर के तेल डाल दें, ये वही तेल है जिसमें मैंने प्याज फ्राई की थी। ये सभी इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद हमें थोड़े इंग्रेडिएंट्स पीसना है। 20 बादाम, 3 टेबलस्पून भर के चिरौंजी, 5 इलायची, इन तीनों को बारीक पाउडर की तरह पीस लें। थोड़ा सा भून के भी पीस सकते हैं आप, या इसे भी आपकी मर्जी। ये पिसा हुआ पाउडर तो रेडी है, इसे भी डाल दें। नमक डाल दें, अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। 2 टेबलस्पून भर के सिरका डाल दें, थोड़े से धनिया के पत्ते। सभी इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद इसे हमें अब बहुत अच्छे से मिक्स करना है। चिकन में सभी इंग्रेडिएंट्स तो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, इसे हम 2 घंटों के लिए रख देते हैं मैरिनेट होने के लिए। कम से कम आपको 2 घंटे रखना है, आप चाहें तो पूरी रात रख सकते हैं, लेकिन रेफ्रिजरेटर में ही रखिए। 2 घंटे हो चुके हैं, इस फ्रीजर को अब हाई फ्लेम पे रख दें। 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसे पका लें। पकाने के बाद अब फ्लेम को मीडियम पे रख दें। मीडियम फ्लेम पे हम इसे ऐसे ही पकाते जाएंगे। लिड इस तरह से थोड़ा सा बंद कर दें, लेकिन बीच बीच में आप चेक करते रहिए, क्योंकि इसमें पानी नहीं है, नीचे से पकड़ भी सकता है। बीच बीच में चेक करते रहिए और थोड़ा सा हिलाते रहिए। मीडियम फ्लेम पे फिर से इसे 5 मिनट के लिए पकाने के बाद अब हम फ्लेम को लो पे रख देते हैं, इसके ऊपर लिड बंद कर देते हैं। चिकन कम्प्लीटली गलने तक ऐसे ही लो फ्लेम पे पकाते जाइए। चिकन तो हमारा अच्छे से गल चुका है, आखिर में हम इसमें धनिया के पत्ते डाल देते हैं। आखिर में हम इसमें थोड़ा सा फ्रेश क्रीम भी डाल देते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। डाल के मिक्स कर दें। फ्रेश क्रीम डालने के बाद फिर से लो फ्लेम पे इसे थोड़ी देर के लिए पका लें, 1 से 2 मिनट के लिए। बहुत ही जबरदस्त हैदराबादी शादियों वाला रेड चिकन तो तैयार है, फ्लेम बंद कर दें। इसे आप रोटी, परोठा, नान, ब्रेड के साथ खा सकते हैं। बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत मजे की रेसिपी है, जरूर ट्राई करें।